हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का आज ये सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। हम लोगों ने चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो थी वो रिलेटेड वायरिंग एंड वेपर प्रेशर, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को लेकर के कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो बचे हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, वो मॉलिक्यूलर मास जो होता है कभी कभी ऐसा होता है कि जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, जो ऑथेंटिक मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए सॉल्यूट का, उस मॉलिक्यूलर मास से कम या ज्यादा हो जाता है। तो जो ऑथेंटिक मॉलिक्यूलर मास जो सॉल्यूट का है उसमें जो कमी या अधिकता आती है उसी को हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में ऐसी कौन सी चीज होती है या ऐसी कौन सी चीजें क्रिएट हो जाती हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास में चेंजिंग क्रिएट कर देते हैं, वो नॉर्मल जो मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए वो नहीं रह जाता है, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो एबनॉर्मेलिटी शो करने लगती हैं। तो ऐसी क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट हो जाती हैं, और हम लोग इन एबनॉर्मेलिटीज को कैसे दूर कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है वो है एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। Abnormal colligative properties. Abnormal colligative properties और जिसकी वजह से abnormal molecular masses, abnormal molecular mass, molecular mass of solute. ये चीज हम लोगों को मिलती है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिनकी वजह से जो एबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, वो किन कारणों से होती है? तो सबसे पहली चीज ध्यान रखने की जो चीज है कि जब भी किसी भी सॉल्यूशन का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम डिसाइड कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिसाइड करते वक्त इस बात का ध्यान हमेशा होना चाहिए कि सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में उनके अंदर उपस्थित पार्टिकल्स में इंट्रैक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शंस क्रिएट होंगे तो किसी भी सॉल्यूशन की वो सारी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज अगर डिस्टर्ब हो गई तो ऐसी कंडीशन में वो सॉल्यूशन नॉन आइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस सॉल्यूशंस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहे हैं वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। अगर डाइल्यूट नहीं होता है तो उनके पार्टिकल्स में इंट्रैक्शंस क्रिएट होंगे, इंट्रैक्शंस क्रिएट होने की वजह से ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट They will be altered and the solution become non-ideal solution. Solution जो होगा वो non-ideal solution हो जाएगा। तो सबसे पहली शर्त यही है कि solution must be dilute. Solution जो है वो dilute होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये चीजें हम लोगों ने जानी। दूसरी जो चीज आती है जो abnormality का कारण है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स के द्वारा डिसाइड होती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद ना तो डिसएसोसिएट हो और ना ही एसोसिएट हो। क्योंकि अगर कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जाने पर डिसएसोसिएट होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बढ़ेंगे, और अगर एसोसिएट होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो घटेंगे। तो
तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अल्टर होता है, चेंज होता है, तो उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंजिंग आएगी। और अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में चेंजिंग आएगी तो जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हमें मिलता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, यानी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में एक ग्रेट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए दूसरी शर्त यह है कि सॉल्यूट should not be associate or disassociate in the solution के अंदर जो सल्यूट है ना तो एसोसिएट होना चाहिए और ना ही ये डिसएसोसिएट होना चाहिए। तो ये दोनों सिचुएशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी जो है वो सल्यूट के मॉलिकुलर मास को निकालने के लिए। अगर इन दोनों सिचुएशंस में चेंजिंग होती है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी। लेकिन मान लेते हैं, अगर हम लोग मान लें कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर उपस्थित सल्यूट में डिसएसोसिएशन होता है, अगर डिसएसोसिएशन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में कैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अल्टर होती है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन में चेंज इन टू वेज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन मे चेंज by two ways। दो तरीके हैं जिनकी वजह से जो नंबर ऑफ पार्टिकल है सॉल्यूट के वो सॉल्यूशन के अंदर चेंज हो सकते हैं। सबसे पहली वजह क्या है? by disassociation of सॉल्यूट। अगर मान लो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जा करके डिसएसोसिएट हो जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो व्हेन द सब्सटेंस या व्हेन द सॉल्यूट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, अगर मान लो कि जो सॉल्यूट है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही सॉल्यूशन में आएगा, जैसे ही वो लिक्विड के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अब नंबर ऑफ पार्टिकल जो सॉल्यूट के होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो क्या हो जाएंगे? वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विल ऑल्सो इंक्रीज। इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था, क्या चीज बताया था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये चीज हमने आपको बताई थी कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के। तो अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो डिक्रीज करने लगेगा। बात समझ आई? तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एज द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ solution increases, the molecular mass of solute present in that solution will decreases. So,
जो मॉलिक्यूलर मास होगा सॉल्यूट का वो क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। तो इतनी चीजें आप लोगों को हमेशा माइंड में रखनी है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्स होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास और सॉल्यूट के। तो ऐसे में मॉलिक्यूलर मास जो सॉल्यूट का होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का घट रहा है तो डेफिनेटली एक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो रहा है, यानी जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास उस सॉल्यूट का होना चाहिए वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें जो मॉलिक्यूलर मास मिल रहा है उससे वो कम है। दूसरी चीज कि ऐसे में जो सबस्टेंसेस होंगे वो अपने मॉलिक्यूलर मास को लूज कर लेंगे। डिसोसिएशन जो सामान्यतया होता है वो पोलर मीडियम में होता है। ध्यान रहे इस बात का कि डिसोसिएशन जनरली टेक्स प्लेस इन पोलर मीडियम। डिसोसिएशन जो होगा वो सामान्यतया पोलर मीडियम में होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि NaCl अगर है और इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये Na आयन और Cl आयन में टूट जाता है। अब ध्यान से अगर हम लोग देखें तो NaCl कितना है, 1 मोल ऑफ NaCl, लेकिन यहाँ सोडियम आयन कितना बना, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 2 मोल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 2 मोल हो गए। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 मोल हो गए तो डेफिनेटली जो मॉलिक्यूलर मास होगा या जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो हमें हाफ मिलने लगेगा। तो एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट बिकम डबल, एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट बिकम डबल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो डबल। क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो डबल। अगर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो रही है ऑब्जर्व मोलर मास फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस बिकम हाफ, देन द ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बिकम हाफ ऑफ द नॉर्मल मोलर मास। ये नॉर्मल मोलर मास का आधा हो जाता है। तो ये सिचुएशन तब आती है जब सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल जो सॉल्यूशन के अंदर है वो इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं तो कैसे चेंजिंग आ रही है, तो बाय एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के एसोसिएशन के द्वारा। अगर सॉल्यूट एसोसिएट कर रहा है तो क्या होगा, तो व्हेन टू आर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन। अगर दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो they form a single molecule, ये एक single molecule बनाएंगे। अब अगर single molecule बनेंगे तो value of qualitative property decreases, therefore
द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एंड द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस. जो मॉलिकुलर मास होगा सॉल्यूट का वो इंक्रीज करने लगता है. तो ये एसोसिएशन जो होता है एसोसिएशन जनरली टेक्स प्लेस इन ए नॉन पोलर सॉल्यूशन. ये जो है वो नॉन पोलर सॉल्यूशन के अंदर होता है. जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो अगर दो मॉलिक्यूल एथेनोइक एसिड है CH3COOH, ये दो मॉलिक्यूल है और दोनों मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्यूट के रूप में इसको यूज करते हैं तो ये क्या बन जाता है CH3C(OH) और इसके साथ ही CHO(O)CH3 इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं एच बॉन्ड ये बन जाते हैं. इसी को हम डाइमर कहते हैं. तो ये डाइमर बना लेता. अभी कितना था दो मॉलिक्यूल. डाइमराइजेशन होने के बाद कितना बचा वन मॉलिक्यूल. तो ये आधा हो गया. थे कितने दो मॉलिक्यूल बचे कितने वन मॉलिक्यूल ऑफ एसोसिएशन. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई डिक्रीज हो गई हाफ हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो मॉलिकुलर मास जो होगा वो जस्ट डबल हो जाएगा मॉलिकुलर मास डबल हो जाएगा. तो दो ये कंडीशन है जिनकी वजह से जो मॉलिकुलर मास होता है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सॉल्यूशन की उसमें एबनॉर्मैलिटी देखने को मिलती है. दो महत्वपूर्ण सिचुएशंस हैं. सबसे पहला बाय डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट और दूसरा जो होता है बाय एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट. तो इस तरह से अब इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस determined by studying colligative properties comes out different from their normal values, the substance is said to form abnormal molecular mass. अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये सिचुएशन अकर हो रही है ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें इस सिचुएशन से कैसे हम लोग छुटकारा पाए. तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग इस सिचुएशन से निजात पा सकते हैं. तो इसके लिए बॉन्ड हाउस ने 1886 में एक रिलेशन दिया एक फैक्टर दिया जिसको हम लोग वन हाफ फैक्टर कहते हैं. तो वी कैन शॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग वन हाफ फैक्टर. इसके लिए हम लोगों को पढ़ना होगा कि वन हाफ फैक्टर क्या है. वन हाफ फैक्टर क्या चीज है. वन हाफ फैक्टर से कैसे हम मॉलिक्यूलर मास के अंदर उपस्थित एबनॉर्मेलिटीज को सॉल्व कर सकते हैं कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं. तो इन द ईयर 1886 वॉन्थॉफ
of give a factor, factor denoted by small i. What of ने एक factor दिया जिसको हम लोग small i से denote करते हैं, इसी को हम लोग want of factor कहते हैं. To correct the abnormal, to correct the abnormal molar mass of solute present in a solution, present in a solution, किसी भी solution के अंदर उपस्थित solute के abnormal molar mass को correct करने के लिए वन टॉप ने एक फैक्टर दिया और इस फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से. तो कैसे, तो मान लेते हैं पहले कि कंसीडर अ सॉल्यूशन. मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है. अब इस सॉल्यूशन के लिए नॉर्मल वैल्यू जो कोरिलेटिव प्रॉपर्टी की होगी, नॉर्मल वैल्यू of colligative property, normal value of colligative property कैसा होना चाहिए? Directly proportional to the number of particle of solute, directly proportional to the number of particle of solute. जो normal value होती है colligative property की किसी भी solution के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट. एबनॉर्मल वैल्यू क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट. लेकिन कब? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट लेकिन कब? आफ्टर एसोसिएशन. कैसा होना चाहिए ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. After association या disassociation, disassociation के बाद या disassociation के बाद या disassociation के पहले, जैसे भी. Abnormal जो value होगी qualitative property की, ये directly proportional होनी चाहिए. तो ऐसे condition में अगर इन दोनों में ratio देखे, then the ratio किसके किसके बीच में, एबनॉर्मल और ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल, नॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी may have the value either more than one or less than one, less than one. या तो ये वन से ज्यादा होगा या फिर क्या होगा, इन दोनों का रेशियो वन से कम होगा. तो I equal to क्या होता है? I equal to जो होगा, अगर osmotic pressure के लिए ले रहे हैं, तो pi observed upon pi normal, या फिर I equal to कितना होगा? Del P observed upon del P normal. ये हो गया relative lowering in vapor pressure के लिए. अगर elevation in boiling point के लिए देखते हैं, तो del TB observed अपॉन डेल टी बी नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल. अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए देखते हैं, तो डेल टी एफ ऑब्जर्व अपॉन डेल टी एफ नॉर्मल. ये सब रेशियो जो है वो या तो वन से ज्यादा होने चाहिए या फिर वन से कम होना चाहिए. तो चूंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास होती है. अगर हम लोग देखें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्स है किसके, मॉलिक्यूलर मास के. तो सिंस द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। चूंकि जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्यूट के मॉलिकुलर मास से, तो देन वॉट ऑफ फैक्टर जो होगा आई इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। ये नॉर्मल मोलर मास अपॉन कितना हो जाएगा, ऑब्जर्व मोलर मास, यानी ये इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन अपॉन, अपॉन कितना, अपॉन हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। तो इस तरह से अब अगर हम लोग देखें कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर्स को अगर हम लोग जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के रूल्स हम लोगों ने पढ़े, जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोगों ने मोलर मास कैलकुलेट करने की टेक्निक को पढ़ा, उन सब में हम लोग वॉन्ट ऑफ फैक्टर को अप्लाई कर देते हैं। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ऑफ फैक्टर मोडिफाई, वॉन्ट ऑफ फैक्टर मोडिफाई द इक्वेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वॉन्ट ऑफ फैक्टर्स जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वेशंस को मोडिफाई कर देता है। कैसे मोडिफाई कर देता है, तो अगर मान लो कि हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए देख रहे हैं, तो डेल टी बी दैट इज इक्वल टू कितना, आई इंटू के बी एम, आई इंटू के बी एम, ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अगर हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं, तो डेल टी एफ दैट इज इक्वल टू कितना, आई के एफ एम। अगर मान लो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए देख रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई सी आर टी। इसी तरह से अगर मान लो कि हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए देख रहे हैं, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आर एल वी पी दैट इज इक्वल टू कितना होता है, ये हो जाएगा आई इंटू एक्स जी, इसके लिए हो जाएगा। तो जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए हमें, हम लोगों ने इक्वेशंस बनाए थे, वो सारे के सारे इक्वेशंस जो होते हैं वो वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मॉडिफाई हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आई की वैल्यू इक्वल टू वन है, इफ आई इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल स्टेट ऑफ सॉल्यूट है, नॉर्मल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो ना तो एसोसिएट हो रहा है और ना ही डिसएसोसिएट हो रहा है। लेकिन आई इज ग्रेटर देन वन, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो डिसएसोसिएट हो रहा है। और अगर आई इज स्मॉलर देन वन है, इसका मतलब एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो आई की वैल्यू के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है या फिर डिसएसोसिएट हो रहा है, क्या हो रहा है। अब सवाल ये है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा हो या डिसएसोसिएट हो रहा हो, तो हम उसकी डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं
कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन डिसएसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट अगर डिसएसोसिएट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम उसके डिसएसोसिएशन और एसोसिएशन के एक्सटेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी इनकी डिग्री क्या होगी। तो मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ए बी एन माइनस वन। एक मॉलिक्यूल हम लोग मान लेते हैं कि ए बी एन माइनस वन है, विच आयनाइज टू प्रोड्यूस एन आयंस, विच आयनाइज टू प्रोड्यूस एन आयंस। मान लो कि ये आयनाइज होकर के एन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ए बी एन माइनस वन अगर ये आयनाइज हो रहा है तो एन ए प्लस आयन प्लस एन माइनस वन बी माइनस आयन बनाएगा। एन ए प्लस आयन और कितना बनाएगा, एन माइनस वन नहीं, ये ए प्लस आयन जो होगा वो कितना होगा, ए प्लस आयन जो होगा वो एन माइनस वन होगा और एन माइनस वन कितना होगा, बी आयन होगा। तो ये ए प्लस आयन यानी ये कैटायन और इतना एन आयन बना रहा है। तो डिग्री ऑफ दिस एसोसिएशन कितना होता है, तो लेट डिग्री ऑफ दिस एसोसिएशन, मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ दिस एसोसिएशन इज अल्फा, ये अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल undergoing dissociation upon 100। अगर मान लें कि टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर ए बी एन माइनस वन ये डिसएसोसिएट होता है ए प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन बी माइनस आयन के अंदर। मान लो कि जब t इक्वल टू जीरो था, जब टाइम इनिशियल टाइम जब जीरो था, प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ए बी का कॉन्सेंट्रेशन सी था, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, जीरो था। जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो इसने कितना बनाया, सी अल्फा, तो इसने कितना बनाया होगा, एन माइनस वन सी अल्फा, तो यहां कितना बचा, सी माइनस सी अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू सी प्लस एन माइनस वन सी अल्फा। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू सी प्लस एन माइनस वन सी अल्फा अपॉन कितना, सी, दैट इज इक्वल टू कितना, अगर सी से सी को कैंसिल करते इधर भी और इधर भी, तो कितना बचेगा, बचेगा वन प्लस एन माइनस वन अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई माइनस वन अपॉन कितना, एन माइनस वन, ये है हमारा अल्फा, जहां पे आई इक्वल टू कितना होता है, बट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी नॉर्मल अपॉन एम बी ऑब्जर्व। जो I की वैल्यू होती है वो है MD नॉर्मल अपॉन कितना, MD ऑब्जर्व। तो अल्फा इक्वल टू अब कितना मिल गया, I की वैल्यू को अगर रख लिया जाए तो मिल जाएगा MB नॉर्मल
माइनस वन अपॉन कितना मिल जाएगा, एम डी नॉर्मल माइनस, नहीं एम डी नॉर्मल माइनस एम डी ऑब्जर्व, एम डी ऑब्जर्व अपॉन कितना, एम डी ऑब्जर्व एन माइनस वन। इसके द्वारा हम लोग अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखें तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि एम बी नॉर्मल इज ग्रेटर देन एम बी ऑब्जर्व। तो ये कंडीशन तब होती है जब सल्यूट जो है वो डिसएसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर। तो कितना डिसएसोसिएट हो रहा है यानी इसका डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन अल्फा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि एसोसिएट हो रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सेम फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन की डिग्री को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन जो करना है हमें वो किसका करना है कि जब सॉल्यूट का पार्टिकल जो है वो सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएट होगा। मान लो कि एक एन ए है, एन ए जो है वो एसोसिएट होकर के ए एन बना ले रहा है। अगर टी इक्वल टू जीरो है, ऐसे में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर मान लो कि प्रोसेस आगे बढ़ा, समय थोड़ा सा आगे हुआ, तो थोड़ा सा जो है वो एसोसिएशन हुआ होगा। तो मान लो कि ये कितना हुआ, अगर ये सी अल्फा अपॉन एन हुआ, तो अभी कितना बचा, सी माइनस सी अल्फा, कितना बच गया, सी माइनस सी अल्फा। तो अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको मिल गया कितना, C माइनस C अल्फा इंटू वन माइनस वन अपॉन कितना, n मिल गया हमको। अब अगर हमें i निकालना हो तो हम लोग i कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो C माइनस सी अल्फा वन माइनस वन अपॉन n, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन अपॉन n, ये हमें अल्फा मिल गया। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा के साथ जो i लगा हुआ है, जो वांट ऑफ फैक्टर है, ये वांट ऑफ फैक्टर i इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है m नॉर्मल अपॉन m ऑब्जर्व, m नॉर्मल अपॉन यानी मॉलिक्यूलर लॉस सॉल्यूट का जो नॉर्मली होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर लॉस ऑफ सॉल्यूट जो कि आफ्टर एसोसिएशन हमें मिल रहा है। तो अब अल्फा को निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस m नॉर्मल अपॉन m ऑब्जर्व का होल अपॉन 1 माइनस कितना है, 1 अपॉन n, 1 माइनस 1 अपॉन n, ये अल्फा इक्वल टू हमको कितना मिल गया, m ऑब्जर्व माइनस m नॉर्मल अपॉन कितना, m ऑब्जर्व इनटू 1 माइनस 1 अपॉन कितना, n। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखें तो इसको हम लोग देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे m ऑब्जर्व जो है वो ग्रेटर देन m नॉर्मल है, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर है उसका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास यानी जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास मिल रहा है वो उसके नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा है। तो इस तरह से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित सॉल्यूट में जो एसोसिएशन या डिसएसोसिएशन हो रहा है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और इसके साथ साथ वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए, वांट ऑफ फैक्टर को लगाते हुए हम लोग इस एबनॉर्मैलिटीज को दूर कर सकते हैं। तो आज इसी लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आप लोग इन चीजों को दोहरा लीजिए, खूब बढ़िया से नोट्स तैयार कर लीजिए, नोट्स आप लोग अपने बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों की बुक्स में दिए गए हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व करिए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ।
तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना।